कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या गुप्ता और आप देख रहे हैं दिव्या वी गुड लाइफ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ होममेड शीट मास्क शेयर करूँगी कि आप घर पे बैठ के, घर पे रह के आप अपने लिए शीट मास्क कैसे बना सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, होममेड शीट मास्क। तो चलिए, तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, सबको शेयर कीजिए। तो सबसे पहले, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट कहीं जाना है, आपके पास सीट मास्क नहीं है, आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, कई बार हम लोग घरेलू ट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं लेकिन पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए ये शीट मास्क लेकर आई हूँ कि आप घर में रह के बिना पैसे खर्च किए, क्योंकि मार्केट में शीट मास्क 100, 60 या 80, 90 इस टाइप के आते हैं, तो इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें जो भी इंग्रीडियंट्स हैं वो आपके घर में, आपके किचन में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये आपको। तो यहाँ मैं आपको दो तरह के शीट मास्क बताऊँगी, दो तरह से बना सकते हैं, एक टमाटर से और एक खीरा से। तो आप चाहें तो इस ऐसी चीज़ों को देख के ना और भी शीट मास्क तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ नहीं करना है, आपको खीरा लेना है, उसको आधा खीरा बहुत ही इनफ है आपके फेस के लिए। तो उसको मैंने घिस लिया है, ग्राइंड कर लिया है और अब इसका मैं जूस निकाल लूँगी। सेम प्रोसेस मुझे टमाटर के साथ भी करनी है, टमाटर को मुझे घिस लेना है, उसका जूस छन्नी की हेल्प से मुझे निकाल लेनी है। तो अब इन दोनों को मैंने जूस एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो तैयार करने के लिए, अगर आपके पास फेस वाइप्स हैं जिससे आप अपने फेस को क्लीन करते हैं, वो वाइप्स अगर आपके पास रखे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास टिश्यूज़ रखे हैं, टिशू पेपर, जिससे कई चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, किचन में भी यूज़ करते हैं, फेस के लिए भी यूज़ करते हैं, हर टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, तो आप अगर वो यूज़ कर सकते हैं तो उनके लिए भी आराम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेस, जिससे हम अपने फेस को क्लीन करते हैं, उससे मैं अपने इसके लिए एक शीट तैयार कर रही हूँ। तो इसको क्या करना है, मैंने इसको वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। अब मैं इसके लिए अपनी आईज़, नोज़ और अपने लिप्स के लिए एरिया कट करूँगी। कट करने के बाद, हाँ थोड़ा सा ये छोटा रहेगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफ है। तो इसको मैं कट करने के बाद इसको मैं उसमें डिप कर रही हूँ, एक वाइप्स में यूज़ कर रही हूँ टमाटर के पेस्ट में, टमाटर के जो मैंने पानी निकाला है बाउल में उसमें डालूँगी, और एक में डालूँगी जो मैंने खीरे का पानी तैयार किया है उसमें डालूँगी। इन दोनों को अच्छे से डिप करने के बाद ये सारा जो भी पानी है ये सोख लेंगे। सोख करने के बाद अपने फेस को अच्छे से मुझे वाइप कर लेना है, पोंछ लेना है, वॉश कर लेना है। इसके बाद आपको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। इस अप्लाई करने के बाद इसको 20-25 मिनट्स आराम से इसको रख सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चिल मार के रेस्ट कीजिए और आराम से लेट जाइए। फेस देखिए, अगर आप आइस पे भी रखना चाहते हैं तो अच्छे से रख लीजिए, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आइस पे तो खीरा कितना बेनिफिट होता है, टमाटो को भी यूज़ कर सकते हैं, आइस पे भी रख सकते हैं। अगर आप छेद नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नोज़ लिप के लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आइस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने अपने बिल्कुल दोनों फेस, मतलब दोनों को यूज़ करके अपने फेस को कितना क्लीन क्लियर कर लिया है। जाइए बनाइए और यूज़ कीजिए और इसके फ़ायदे उठाइए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा मेरा ये हैक्स। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।